है, मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी सब इंस्पेक्टर 2023 की जो भर्ती आ चुकी है उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि कब से होगा अप्लाई, क्या डेट है, क्या अभी निकल के नोटिस आ चुका है, इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। पूरी जानकारी आप इस वीडियो में देख सकते हैं और आपको जो जानकारी में दिक्कत लगे आप कॉमेंट करें, कॉमेंट का रिप्लाई आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी क्या है, सिलेक्शन की प्रक्रिया यानी चयन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से आपको क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होगा, सैलरी क्या है मतलब वेतन क्या है, एज क्या रखा गया और साथ ही शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सारी डिटेल्स आपको हम बात करेंगे इसमें। अगर आपको कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। साथ ही आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जैसे आपने इतना प्यार मोहब्बत बनाकर 1,21,000 से प्लस सब्सक्राइबर आपने कर चुके हैं तो आगे ही बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें और चैनल सब्सक्राइब कर ले और लाइक जरूर कर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। यही एसएसबी ने नोटिस जारी कर दिया है जो आपको चार पदों पर आपकी भर्ती लेने वाली है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 हम एक एक डिटेल सारा बात करेंगे, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में बात करेंगे। हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, इसमें बड़ी बड़ी पॉइंटों के सारे डिटेल्स को क्लियर करेंगे। उससे पहले बता दें आपको ये जो नोटिस है अगर आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। हम जो भी नोटिस आता है हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेंड कर देते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से पहले आपको अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का भी अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप डाउनलोड ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम डिटेल्स को चलते हैं, हम एक एक डिटेल्स वहाँ क्लियर करेंगे। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आवेदक, ठीक है, इसके एसएसबी भर्ती के बारे में 2023 के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं और लेखन के बारे में, ठीक है। तो ये आपको सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के अंतर्गत आती है भर्ती। आपको भिन्न भिन्न पदों पर आपकी भर्ती है, इन चार पोस्टों पर मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, चार पोस्टों पर आपकी भर्ती है। टोटल आपको 111 पोस्टों पर है, बहुत अच्छा पोस्ट है सब इंस्पेक्टर के 111 पोस्ट, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन कनेक्टिविटी, अभी देखिए ऑनलाइन आवेदन कब से होगा इसकी सूचना नहीं की गई है, लेकिन आपको नोटिस जारी कर दिया गया है कि आपका ऑनलाइन आवेदन होगा और किस पोस्ट पर होगा, क्या क्या डिटेल्स होगा, ये आपको जानना अनिवार्य है, ठीक है। ये जो ऑनलाइन आवेदन ही होगा, ठीक है, पूरे भारत के किसी भी राज्य के लड़का हो या लड़की ये फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आपको जो साइट दिख रहा है ssb.nic.in पर जाकर ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपको बना दूंगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको हर एक डिटेल सबसे पहले मिल जाएगा, इसलिए कि हाउ टू अप्लाई का भी वीडियो हमने आपको बनाकर अपलोड कर देंगे। अब हम महत्वपूर्ण तिथि की ओर चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तिथि। तो ये देखिए तिथि अभी जो है जो आपको एसएसबी भर्ती 2023 के जो आपको शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया जिसमें आपको डेट अभी क्लियर नहीं किया गया, लेकिन आपको 19 अक्टूबर का ये आपको पीडीएफ जारी कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कब से आपका आवेदन होगा, क्या लास्ट डेट है, क्या परीक्षा की तिथि है, क्या डिटेल्स है, अभी आपको उस नोटिफिकेशन में कहीं शो नहीं किया गया है, इसलिए आपको अभी अप्लाई करने में दिक्कत। जैसे ही अप्लाई होना शुरू हो जाएगा आपको मैं एक और वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको एसएसबी जो एसआई पदों पर है किस पोस्ट पर कितने कैटेगरी में क्या क्या सीट रखा गया, एक एक डिटेल्स इसमें बात करेंगे। टोटल आपको तो पता हो गया 111 पोस्ट हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें कि आपको ईडब्ल्यूएस एससी जनरल किस किस डिपार्टमेंट में किस प्रकार सीट रखा गया है इसी के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले हम पाइनियर देखें, ठीक है, एसआई पाइनियर, ठीक है, जो आपको यूअर कैटेगरी में आपको 9 सीट रखे गए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको 1 सीट है, अन्य पिछड़े वर्ग में 6, अनुसूचित जाति में 3, अनुसूचित जनजाति में 1,
और यही हम बात कर ले, टोटल आपको इसमें पनियर में 20 पदों पर आपकी ये भर्ती होगी। आगे की ओर चलते हैं, आगे फिर हम बात करेंगे डाफरमैन के लिए, तो जिसमें आपको यूअर कैटेगरी 3, EWS 0, OBC 0, SC ST भी 0, यहाँ टोटल आप सीट देखेंगे तो ओनली 4, जनरल कैटेगरी के लिए ही 3 सीट रखा गया है। चलिए आगे की ओर आएंगे, संचार यानी टेलीकॉम विभाग में जो है आपको यूअर कैटेगरी में 34 सीट है, यही अच्छा सीट है। EWS में 5 सीट है, OBC वाले में आपका 9 सीट है, और SC और ST की बात कर ले तो 6 और 5 सीट है। टोटल आपको 59 सीटों पर ये आपकी भर्ती होने वाली है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैटेगरी की, जो आपको ओनली फॉर फीमेल कैटेगरी ही इस फॉर्म को भर सकती है, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकती है, वो है स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है। जो यूअर कैटेगरी में आपको 13 सीट और EWS में आपका 2 सीट और OBC में 7, SC ST में आपको 6 और 1, टोटल आपको 29 पदों पर, और टोटल आपकी जो भर्ती है 111 पोस्टों पर आपकी भर्ती होने वाली है। अब बात कर ले आपको टोटल यूअर में, अगर आप यूअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का टोटल सीट है 59, ठीक है, और EWS में 8 सीटें हैं, OBC में 22 सीटें हैं, SC में आपको 15 और ST में 7 सीटें हैं। ये आपको लिए मैंने बता दिया, ये इसकी मेन आपको जिस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे उससे आपका पूरा डिटेल्स रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे आएंगे जैसे आपको, तो सिलेक्शन की प्रोसेस के हम बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले इसमें आपको आवेदन भरने के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, ये भी आपको जानना अनिवार्य है। देखिए सबसे पहले तो आपको SSB साइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन करना है, फिर आवेदक को पूरा अच्छा से फॉर्म को फिल करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट भी इसमें अपलोड करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, आपको सर्टिफिकेट लगेगा, अगर किस कैटेगरी से है उसका सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल लगेगा, फोटो सिग्नेचर लगेगा, ठीक है, वर्तमान का फोटो होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए, फाइनली प्रिंट आउट लेना चाहिए। अब बात करते हैं आपका आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क जो लगने वाला है, अब बता दें आपको समान वर्ग OBC और EWS कैटेगरी के स्टूडेंटों के लिए ही आपको 200 रुपये का चार्ज है, और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फीमेल का तो चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, SC ST वाला भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। ये आपका टोटल 200 रुपये आपका पेमेंट चार्ज लगने वाला है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट शैक्षणिक योग्यता के बारे में, ठीक है, जिस पद पर आपको अप्लाई करना है तो शैक्षणिक योग्यता सबसे इंपॉर्टेंट। पायनियर में आपको डिप्लोमा डिग्री चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब SI ड्राफ्टमैन के लिए चाहिए, इसमें आपको मेट्रिकुलेशन चाहिए, साथ ही आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रखा गया, ये भी आपको 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन में भी आपको मांगा जाएगा, और साथ ही ये नोटिस जारी किया गया जिसमें आपको साफ साफ क्लियर कर दिया गया है, मैं आपको वो भी दिखला देता हूँ इसके बाद कि उसमें क्या क्या दिया गया है। अब यही टेलीकॉम विभाग में बात कर ले, SI के लिए डिग्री होनी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन संचार कंप्यूटर इंजीनियर, और नहीं तो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से आपके पास 12th पास होना चाहिए, ठीक है। यही हम बात कर ले SI स्टाफ नर्सिंग महिला के लिए, जिसमें आपको 10+2 होना चाहिए, साथ ही विज्ञान आपका कंपल्सरी होना चाहिए, साथ ही अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं समान नर्सिंग के साथ। तो फ्रेंड ये था आपका क्वालिफिकेशन, आगे चलते हैं अब एज सीमा के बारे में बात कर ले कि आपके वाई जो एज रहेगा क्या रहना चाहिए, नहीं तो सबसे इम्पोर्टेंट यही होती है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पायनियर के लिए 30 साल तक, ठीक है, 18 से 30 के बीच अगर आपका एज है तो आप पायनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही ड्राफ्टमैन के लिए 18 से 30 है, और संचार के लिए भी 30 वर्ष तक है, और महिलाओं के लिए जो नर्सिंग है आपको 21 से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। अब यही हम बात कर ले इनको किस किस कैटेगरी को क्या छूट मिलेगा, यहाँ हम बता दें आपको OBC को 3 साल, सारे में OBC कैटेगरी को 3 साल आपको छूट मिलेंगे, और यही हम बात कर ले SC ST को तो 5 साल आपको यहाँ छूट मिलेंगे, आप जो एज दिख रहे हैं उससे 5 साल और आपको जोड़ सकते हैं।
चलिए आगे की प्रक्रिया में चलते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसके बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले आपको शारीरिक दक्षता मतलब पीटी टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिकल्स क्या होगा इसको भी हम आपको बता ही देते हैं। ये एप्लीकेशन वाले में से आपको हम बता रहे हैं, जिसमें आपको मेल कैटेगरी के लिए आपको 1600 मीटर की दौड़ होगी, जो आपका 6 मिनट 30 सेकंड में आपको क्वालिफाई करना है। यही 800 मीटर की रनिंग होगी, जो आपको फीमेल कैटेगरी को 4 मिनट में क्वालिफाई करना है, ठीक है। ये आपका हो गया रनिंग के लिए। और आपको अब बात करते हैं हाइट और चेस्ट के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही है। तो हाइट आपको नॉर्मल जिस स्टूडेंट का 170 सेंटीमीटर है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एज 18 सॉरी जो चेस्ट होनी चाहिए 80 से 85 होना चाहिए, ठीक है। अब जो किसको छूट मिलेगा इसके रिगार्डिंग में बात कर लेते हैं यहाँ। जो सिंपली बता दे, अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं आपको भी छूट मिलेगी। गोरखा रेजिमेंट से हो, जम्मू कश्मीर से हो, डोगला से हो, आप जो यहाँ दिख रहे हैं ना, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट से, या आप इससे हैं लेह लद्दाख से, जम्मू कश्मीर यूटी से, उत्तराखंड से, तो आपको छूट मिलने वाली है, ठीक है। अब बात करें इसमें मेल कैंडिडेटों की, आपको 165 सेंटीमीटर हाइट होगा तो चल जाएगा। आपका चेस्ट 78 है और उसके बाद 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। फीमेल कैटेगरी की बात कर ले, 155 सेंटीमीटर आपकी ओनली फॉर हाइट चाहिए, ठीक है। अब यही बात कर ले, अगर आप शेड्यूल कास्ट एसटी हैं, एसटी को लेके आपको 162.5 सेंटीमीटर ओनली फॉर मेल कैंडिडेटों को, फीमेल के लिए 160-150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। आगे क्यों चलते हैं, अब बात करते हैं फीमेल नर्सिंग के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। इनको बस आपको 157 सेंटीमीटर हाइट है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इस राज्य से बिलोंग करती हैं, आप देख लीजिए, तो आपको जो होगा जो हाइट लगेगा 155 से आपके होना चाहिए, ठीक है। और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 150 सेंटीमीटर की हाइट होना अनिवार्य है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपका फिजिकल्स हो गया। सेकंड स्टेज आपका क्या होगा, वो आपका 150 अंकों का एग्जाम होगा, जिसमें आपको दो पार्टों में होगा, ठीक है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका अंतिम परिणाम यानी आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो आपका सैलरी मिलने लगेगा, कितना मिलेगा सैलरी, अब ये भी हम बात कर लेते हैं। मेरिट बनने के बाद सबसे अच्छा प्रोसेस है Level 6, यानी आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक आपको सैलरी मिलेगी। तो फ्रेंड, ये डिटेल्स आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। जब तक ले, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।